प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। हेलो एवरीवन, मैं सुनिधि मेहरा नारंग आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एस्ट्रो तक पे। आज हम बात करने जा रहे हैं कैसा रहेगा आपका आने वाला हफ्ता, यानी कि 5 से 11 दिसंबर तक का टाइम आप सबके लिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ यानी कि आपके मूलांक के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, जन्मतिथि के अनुसार शुरू करते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 1/10/1928 तारीख को होता है, आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेके आ रहा है? मूलांक 1 वालों, आपके लिए आने वाला हफ्ता कई ऑप्शंस लेके आ रहा है। आपके कार्ड आए हैं 4 of Cups, 6 of Cups और 7 of Cups, बहुत सारे कप्स आपके लिए आए हैं। तो कहते हैं कई ऑप्शंस खुलेंगे। इमोशनली अगर आप बहुत परेशान हैं तो कई नए रास्ते खुलने वाले हैं, कई नए लोग आपके साथ जुड़ने वाले हैं। काम के वाइज भी नई अपॉर्चुनिटीज़ खुल सकती हैं आपके सामने, कई ऐसे रास्ते खुल सकते हैं जिसके बारे में आप सोचिए आप उन्हें अपनाएं कि ना अपनाएं। हफ्ता जो है आपका अच्छा रहेगा, बस थोड़ा सा अपनी नेगेटिव थॉट्स को आपको कंट्रोल करना है। आपका मन जो है थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, आप थोड़ी लाइफ में अपनी नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो दे सकते हैं। आपको क्या करना है, ये हफ्ता आपको पूरा हफ्ता दिन की शुरुआत ही सूर्य को जल देकर अर्पित करनी है, और उसमें जल में एक चम्मच कच्चा दूध मिला लीजिएगा। आपकी सोच भी पॉजिटिव रहेगी, आपका मन भी शांत रहेगा। अब बात करते हैं मूलांक 2 की, जिनका जन्मदिन 2/11/29 को होता है या फिर 20 तारीख को होता है। आपके लिए टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं मूलांक 2 वालों? आपके लिए भी 9 of Swords रिवर्स कार्ड आया है, तो परेशानी मन की दिख रही है। हेल्थ वाइज अच्छा है, रिलेशनशिप वाइज भी आपके लिए हर्मिट कार्ड आया है, जो कहता है रिलेशनशिप में प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे। अब टाइम है प्रॉब्लम से बाहर निकलने का। जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में, फ्रेंड्स के साथ, अब जो टाइम है वो प्रॉब्लम से बाहर निकलने का। अब आपको सॉल्यूशन मिलेंगे, तो आप अपनी एनर्जी पॉजिटिव रखिए, अपना मन शांत रखिए। ये हफ्ता आपके लिए जो परेशानी 9 of Swords चल रही है उससे बाहर निकलेंगे, और कोई मेल, कोई ऐसा इंसान आपकी मदद करेगा जो आपको इस रास्ते से बाहर निकाल सकता है। करियर वाइज ये हफ्ता आपके लिए अच्छा जाने वाला है, आपको मन को थोड़ा शांत रखना है। आपके लिए लकी डेट जो है मूलांक 2 वालों, वो रहेगी 8 दिसंबर, और मूलांक 1 वालों के लिए रहेगी 10 दिसंबर। अब बात करते हैं मूलांक 3 की, जिनका जन्मदिन 3/12/21/30 को होता है किसी भी महीने की। आपके लिए हफ्ता 2 of Cups मूलांक 3 वालों, रिलेशनशिप बहुत अच्छे जाने वाला है। रिलेशनशिप में प्यार बढ़ेगा, काफ़ी स्मूथ होंगे रिलेशनशिप आपस में, आपकी अंडरस्टैंडिंग पार्टनर की बनेगी। लवर्स के लिए यह हफ्ता कमाल का जाता हुआ दिख रहा है। करियर वाइज मूलांक 3 9 of Cups बहुत अच्छा जाएगा करियर। आप मेहनत लगाइए, आपको लक किस्मत पूरी तरह से साथ देती हुई दिख रही है। हफ्ता बेहतरीन मूलांक 3 वालों का। लकी डेट रहने वाली है आपके लिए 9 और 10 दिसंबर। अब बात करते हैं मूलांक 4 की, जिनके जन्मदिन 4 को होता है, 13/31/22 को होता है। आपके लिए हफ्ता क्या लेके आ रहा है? पेज ऑफ कप्स को अच्छी मच अवेटेड न्यूज़ मिलने वाली है, कोई अच्छी खबर मिलेगी। करियर में भी कुछ अच्छा हो सकता है, अच्छे लोग जुड़ सकते हैं। रिलेशनशिप वाइज भी आपका मन खुश रहने वाला है, और कहीं जहां बंदिशें महसूस कर रहे थे रिलेशनशिप में, अगर आपको किसी को जानने में मुश्किल हो रही थी, तो उसकी रियल पर्सनालिटी आपके सामने इस हफ्ते बाहर आने वाली दिख रही है। करियर वाइज जैसे मैंने बोला शानदार, रिलेशनशिप वाइज अच्छा, हेल्थ भी आपकी, जो प्रॉब्लम अगर आप फेस करें तो आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा, उसके सॉल्यूशन की टूवर्ड्स आप इस हफ्ते जाते हुए दिख रही हैं। लकी डेट आपके लिए रहेगी 6 दिसंबर। अब बात करते हैं मूलांक 5 की, जिनके जन्मदिन 5/14/23 को होता है। आपके लिए हफ्ता क्या लेके आया है? एम्प्रेस 5 वालों, आपके लिए हफ्ता शानदार है। मेहनत कीजिए, फल आपको ईश्वर ज़रूर देगा। आपको ये हफ्ता बहुत कुछ मिलने वाला है, कोई लग्जरी चीज़ आपकी लाइफ में ऐड हो सकती है, जो बहुत देर से आप प्लान कर रहे थे ये मुझे करना है वो आप कर लेंगे। जो बहुत देर से कुछ खरीदना चाह रहे थे या कुछ ज़िंदगी में ऐसी कोई चीज़ करना चाह रहे थे, वो आपकी इस हफ्ते होती हुई दिख रही है। ये हफ्ता आपके लिए बहुत बढ़िया है। ये हफ्ता अपनी एनर्जी को पॉजिटिव चीज़ों में लगाइएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो टारगेट सेट करेंगे पूरे करेंगे, करियर वाइज बेहतरीन समय, मुश्किलें जो आएंगी वो आपकी छटती जाएंगी। हफ्ता आपका छाने का है, ये हफ्ता आपकी किस्मत आपका बहुत अच्छा साथ देगी। आपके लिए लकी डेट रहने वाली 5 दिसंबर। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। मूलांक 6, जिनका जन्मदिन 6/15/24 को होता है, ये हफ्ता आपके लिए मून, कहीं परेशानियां, दिमाग की धोखा से बचना है, किसी पे ज्यादा विश्वास नहीं करना, बड़ी डील कोई थोड़ा सोच समझ के करनी है, बड़ों के बिना पूछे आपने कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। मूलांक 6 वालों, धोखा हो सकता है। करियर वाइज आपको फैमिली बहुत साथ देते हुए दिख रही है, 10 of Cups आया है, तो फैमिली के साथ अच्छा समय बिताएंगे। फैमिली के साथ आपको अच्छा कोई छोटा मोटा ट्रिप प्लान कर सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं। फैमिली थोड़ी क्लोज आएगी मूलांक 6 की, तो कोई फैमिली के लोग आपके पास आ सकते हैं, आप उनके पास जा सकते हैं। फैमिली से आप थोड़ा क्लोज होते हुए इस हफ्ते दिख रहे हैं। हफ्ता आपका अच्छा जाएगा, बट कोई बड़ी डील, बड़ा डिसीजन किसी बड़े से पूछे बिना नहीं करना है। पैसे की उधारी नहीं करनी है,
किसी से पैसे की लेन देन आपको नहीं करनी, अदरवाइज ठीक है। आपके लिए जो मूलांक्ष वो लकी डेट रहने वाली है 6 दिसंबर। मूलांक 7 की बात करते हैं, जिनका जन्मदिन 7 को, 16 को या 25 को होता है किसी भी महीने की, आपके लिए कैसे क्या कार्ड्स आए हैं। हाई प्रीस्ट रिवर्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, जो कन्फ्यूजन दूर होगी, बहुत देर से लटके हुए काम पूरे हो जाएंगे, क्योंकि फीमेल एनर्जी आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छा रोल प्ले कर सकती है। पैसों संबंधित जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व होंगी, कन्फ्यूजन लाइफ की क्लियर होंगी, बहुत देर से जो लग रहा था ये काम नहीं हो रहा, ये काम नहीं हो रहा, वो काम अब होने शुरू हो जाएंगे। आपका हफ्ता अच्छा जा रहा है, आपको सपोर्ट मिलेगा आपके अपनों का। लकी डेट जो रहने वाली है मूलांक 7 वालों की, वो है 7 दिसंबर। मूलांक 8 की बात करते हैं, मूलांक 8 यानी कि जिन लोगों का जन्मदिन 8 को, 17 को या 26 को होता है किसी भी महीने की, उनके लिए हफ्ता कैसा रहने वाला है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स, हैंगमैन, तो थोड़ा सा भगवान पे चीज़ें छोड़ने की ज़रूरत है। आपको जैसा लग रहा है कि आपके साथ चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं, या अपनी लाइफ अगर प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे हैं, जो चीज़ें नहीं हो रही उन पे फोकस मत कीजिए। कुछ चीज़ों को आपको ईश्वर पे छोड़ने की ज़रूरत है। हैंगमैन कहता है सरेंडर कर दीजिए, तो इस हफ्ता आप अपनी प्रॉब्लम्स को ईश्वर पे सरेंडर कर दीजिए और थोड़ा उसके बारे में सोचना कम कीजिए। जैसे आप सोचना कम करेंगे, वैसे ही 6 ऑफ पेंटिकल्स, वैसे ही चीज़ें आपकी बेटर होनी शुरू हो जाएंगी, आपके कामकाज में भी थोड़ी ग्रोथ होगी। तो अपने मन को थोड़ा नेगेटिव मत करिए, उसको थोड़ा पॉजिटिव करिए, अपना फेथ एक चीज़ पे लगाएं और आपको ज़रूर उससे राहत मिलेगी। गणेश जी की आरती कीजिए इस हफ्ते, गणेश जी आपकी लाइफ में जो विघ्न आ रहे हैं उसको ज़रूर दूर करेंगे। थोड़ी सी सोच को पॉजिटिव करने की ज़रूरत है। पैसों की लेन देन अच्छी रहेगी, बिजनेस आपका स्मूथ रहेगा इस हफ्ते। आपके लिए लकी डेट मूलांक 8 वालों रहने वाली है 11 दिसंबर। अब बात करते हैं आखिरी मूलांक 9 की, जिनका जन्मदिन 9 को होता है, 18 को या 27 को होता है किसी भी महीने की, आपके लिए हफ्ता क्या लेके आ रहा है। फॉलिंग टावर, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होंगी, हो सकता है किसी की ऐसे रूप सामने आए जो आपने कभी सोचा ना हो, लोगों के कुछ अनएक्सपेक्टेड आपके सामने फेसेस आ सकते हैं, कोई शायद जिस पे आप बहुत भरोसा कर रहे थे उसकी रियल जो पर्सनालिटी आपके सामने आ जाए। थोड़ा सा ध्यान देना है, मूलांक 9 वालों, इस हफ्ते चीज़ें आपके मतलब की नहीं होगी, आपके अकॉर्डिंग नहीं होगी, बट आपके लिए अच्छी होंगी। मेहनत आपको ज़रूरत से ज़्यादा इस हफ्ते करनी पड़ सकती है। हेल्थ जो है आपकी, थोड़ा हेल्थ पे पैसा आपका लग सकता है। रिलेशनशिप आपको थोड़े से मैनेज करने पड़ सकते हैं ये हफ्ता, थोड़ा सा अगर जितना पेशेंस रखेंगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। इस हफ्ते अगर आप हर रोज़ अगर आप कर सकते हैं तो नमक वाले पानी से नहाएं, एक बकेट में 2 चम्मच नमक डाल के नहाएं, आपका ऑरा क्लेंज होगा और जो मुश्किलें आपकी लाइफ में वो छटेंगी। तो ये हफ्ता थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा, कुछ चीज़ें आपके सामने आएंगी बट आपकी बेहतरी के लिए सामने आएंगी, तो खुशी से इस हफ्ते को वेलकम कीजिए, क्योंकि काफ़ी एंड तक आपको क्लैरिटी अपनी लाइफ की मिलेगी। ये था मूलांक 1 से 9 का कैसा रहेगा आने वाला हफ्ता। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है। वीडियो देखने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।